चाइना ने ये जो पब्लिकली पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की इंसल्ट करने की कोशिश की है, इस पर डिमार्श होना चाहिए चाइनीज को। चीन अब तक अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को बचाता आ रहा था, लेकिन अब चीन ने खुद मान लिया है कि पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़ है। अब देखिए ना, अब पाकिस्तान के लिए भी ये लम्हे फिक्री है। लेकिन अभी जो हालिया एक चल रही है, इसे हम क्या कहें, दरार सी फील हो रही है, जिस पर गैर जिम्मेदाराना बयानात से इज्तनाब का कहा जा रहा है। लेकिन दरअसल पाकिस्तान ने अपने आयरन ब्रदर चीन को खुश करने के लिए एक सेमिनार का आयोजन किया था। उसे उम्मीद थी कि शी जिनपिंग खुश होंगे, लेकिन पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने अचानक कुछ ऐसा कर दिया जो चीनी राजदूत को नागवार गुजरा, और मंच से ही उन्होंने चीन की बखियां उधेड़ना शुरू कर। चीन के सफीर जियांग जेडोंग ने यहाँ एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि ये जो पाकिस्तान में मौजूदा सूरत हाल है, ये चीन के लिए काबिले कबूल नहीं है। 6 माह में 2 हमले, मुहलक हमले चीनियों के ऊपर हो चुके हैं, ये नाकाबले कबूल हैं। सी पैक आगे नहीं बढ़ सकता। इससे पहले चाइना अपने तहफ्फुज़ात में बहुत मोहतात रहा, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उनका इजहार नहीं किया जाता। अब की बार ऐसा क्या हुआ है कि पब्लिकली इन चीजों को डिस्कस किया गया? नाकामियों की एक दास्तान है। शहबाज शरीफ की हुकूमत कोई काम ढंग से तो कर नहीं पाई, मईशत इनसे संभल नहीं रही है, दहशत गर्दी के खिलाफ ये नाकाम हो रहे हैं। नलायकी की हद तो यह है कि अब उन्होंने चाइना जैसे दोस्त को भी नाराज कर दिया। तो अभी देखिए हुआ क्या, चाइनीज एनवॉय ने जो वहां पर है फॉर द सेकेंड टाइम एक पब्लिक में पाकिस्तान को जूते मारे। पहले इनका डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ने मारे थे चाइनीज के, अभी सेकेंड टाइम एक चाइनीज एनवॉय ने जूते मारे हैं। पाकिस्तान में जब भी ऐसा कुछ टेढ़ा मेढ़ा होता है ना, तो रॉ की साजिश हमेशा लगा देते हैं। तो अभी देखिए हुआ क्या, चाइनीज एनवॉय ने जो वहां पर है फॉर द सेकेंड टाइम एक पब्लिक में पाकिस्तान को जूते मारे। पहले इनका डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ने मारे थे चाइनीज के, अभी सेकेंड टाइम एक चाइनीज एनवॉय ने जूते मारे हैं। बोला है कि साहब ये जितने आपके अटैक्स होते हैं चाइनीज और चाइनीज इंटरेस्ट के ऊपर, 6 महीने में 2 अटैक्स में तो लोग कैजुअल्टीज, लोग मरमुरा भी गए हैं। हम तो कितने टाइम से बोल रहे हैं आप जरा सिक्योरिटी को अपनी ठीक करिए, हमको चाइनीज लोगों को प्रोटेक्शन दीजिए, हमारे प्रोजेक्ट्स को प्रोटेक्शन दीजिए और हमारी इंस्टीट्यूशंस को प्रोटेक्शन दीजिए, लेकिन आपने कभी ऐसा कुछ करने की कोशिश नहीं करी है। उसके लिए भी आपने हमारे से पैसे लिए हैं, लेकिन करा कुछ ग्राउंड पे नहीं है। चाइनीज एनवॉय ने यह भी बोला कि साहब सिवियरली पनिश करिए परपेट्रेटर्स को और क्रैक डाउन करिए एंटी चाइना टेररिस्ट ग्रुप को। अब वो कौन है ये हमको पता ही है, BLA, जिसकी तरफ से एक बड़ा क्लियरली आया कि भाई चाइना तू इधर पे घुसा तो तेरी पैंट उतार दूंगा। लेकिन चाइना कुछ पैसे पूसे खिलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो पूरी तरह से अनसक्सेसफुल हो रहा है, क्योंकि देखिए अमेरिका का जो एक प्रोटेक्शनिज्म रहेगा BLA का, दैट वुड बी मच बेटर एंड मच मोर कॉम्प्रिहेंसिव देन व्हाट चाइना कैन एवर गिव। तो ये चाइनीज बोल रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं पाकिस्तानियों के, ये ठीक नहीं है, आप इसको जरा ठीक करिए, सिक्योरिटी सबसे बड़ी कंसर्न है। और ये चीज, ये मैसेज शी जिनपिंग और चाइना की हाईएस्ट लीडरशिप की तरफ से पाकिस्तान को मैं देता हूँ, हु इज द चाइनीज एनवॉय, कि साहब ये चीज चलेगी नहीं और ये सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट है जो सीपैक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसके लिए। चीन के सफीर जियांग जेडोंग ने यहाँ एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि ये जो पाकिस्तान में मौजूदा सूरत हाल है, ये चीन के लिए काबिल कबूल नहीं है। 6 माह में 2 हमले, मुहलक हमले चीनियों के ऊपर हो चुके हैं, ये नाकाबिल कबूल हैं। जब तक दहशतगर्दों के खिलाफ क्रैकडाउन नहीं होता, जब तक हमें महफूज माहौल फराहम नहीं किया जाता, सी पैक आगे नहीं बढ़ सकता। सदर, चीनी सदर इस हवाले से बहुत फिक्रमंद हैं और हमने बारहा पाकिस्तानी हुकाम को अपनी सिक्योरिटी के हवाले से आगाह किया है। ये कौन कह रहा है? चीनी सफीर। चीनी कौम के बारे में कहा जाता है कि वो फुल स्टॉप कामा इधर उधर नहीं लगाते, वो बढ़के नहीं मारते, वो इस लड़ाइयां नहीं लड़ते। अब सोचिए कि एक चीनी सफीर हमारे मुल्क में इस तरह की गुफ्तगू कर रहा है, तो कितने हालात खराब होंगे पाक चीन ताल्लुकात में, या कितने उनको कंसर्न होंगे। नाउ ये देखिए, जब इशाक डार का भी उस टाइम पे स्पीच था कि नो मैटर जितनी मर्जी इन्वेस्टमेंट हो, अच्छी हो, ये वो, लेकिन अगर कोई कोई सिक्योरिटी इशू हुआ तो चाइना नहीं करेंगे, ये चीज इशाक डार ने भी बड़ा क्लियरली बोली। अब देखिए कि भाई ये दोनों को अंडरस्टैंडिंग तो है ही कि भाई पिटाई तो हो रही है, अब करें तो करें क्या, चाइनीज पीछे हट नहीं सकते, बिकॉज अगर पीछे हटेंगे तो नाक कट जाएगी, आगे बढ़ेंगे तो बंदे मरेंगे। तो चाइनीज भी बड़ी फनी सिचुएशन में वहां पर फंस चुके हैं, लेकिन एक चीज इनको ये भी पता है कि साहब पाकिस्तान किसी तरफ नहीं जा रहा है, और ये चीज चाइनीज को समझ में आने पर, पाकिस्तान कभी भी अपने आप के ऊपर ब्लेम नहीं देगा, हमेशा दूसरे के ऊपर ब्लेम डालने की कोशिश करेगा। इसी चक्कर के अंदर इनके फॉरेन ऑफिस स्पोक्स पर्सन जो इनकी है, उन्होंने बोला कि साहब ये जो चाइनीज एम्बेसडर ने, चाइनीज एनवॉय ने ये जो रिमार्क्स मारे हैं, ये बड़े अनडिप्लोमेटिक हैं।
ये बड़े perplexing हैं, these are not reflective of the Pakistan-China traditions and relations. मतलब इतना दम आ गया इनके अंदर भाई, तुम $60 बिलियन इनके खा चुके हो, उसके बाद उनको आप समझाओगे तुम्हारी traditions और relations क्या हैं? आई यार बोलते हैं ना पाकिस्तान की हालत इतनी खराब है, लेकिन फिर भी ना बोलते हैं हमारी नाक हमेशा ऊपर रहेगी, नाक भी कटी हुई है वो भी है, अब चाइना को ये लोग डिप्लोमेटिक लात मारने की कोशिश कर रहे हैं। ये कचरे को कौन खरीदेगा भाई? पाकिस्तानियों अकल करो, तुम्हारे पास जहाज जरूर होंगे लेकिन तुम्हारे जिस चीज को पाकिस्तानी एक बार छू देता है ना वो कचरा बन जाता है, कौन खरीदेगा उसको? ये चीज तो इनको समझ में आनी चाहिए। चाइना तालुकात, और इसमें चाइना को पाकिस्तान बताता रहा है कि किस तरह से हम अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी से भी मुतासर हैं, जो जो अटैक्स हुए हैं उसमें हमें कलदम कुछ तंजीमों खदशात का सामना रहा है, लेकिन अभी जो हालिया एक इसे हम क्या कहें दरार सी फील हो रही है, जिस पर गैर जिम्मेदाराना बयान से इज्तनाब का कहा जा रहा है, लेकिन इसहाक डार साहब का एक बयान और दूसरी तरफ चीनी सफीर की तश्वीश भी कोट की जा रही है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी सिर साहब, इससे पहले चाइना अपने तहफुजात में बहुत मोहतात रहा, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उनका इजहार नहीं किया जाता, अब की बार ऐसा क्या हुआ है कि पब्लिकली इन चीजों को डिस्कस किया गया? देखिए मैं इत्तफाक नहीं करता जिस तरीके के साथ ये मामला गवर्नमेंट हैंडल कर रही है। चाइना ने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है पाकिस्तान पे, बहुत बड़ी, ये चाइनीज स्ट्रेटेजी की रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव स्ट्रेटेजी जो है उसका हिस्सा है सिपेक जी। सो देयरफॉर तो चाइना का बहुत बड़ा स्टेक है यहाँ, बहुत बड़ा। अब चाइनीज इंजीनियर्स चाइनीज वर्कर्स यहाँ काम कर रहे हैं, एंड द स्टेट ऑफ पाकिस्तान मस्ट प्रोवाइड दैट सिक्योरिटी, एंड द फैक्ट इज द स्टेट ऑफ पाकिस्तान हैज नॉट बीन एबल टू प्रोवाइड द लेवल ऑफ सिक्योरिटी द चाइनीज रिक्वायर। ये हमारी कोताही है, हमारी जो अबिलिटी है ना वो भी लिमिटेड है, हम बड़े रिसोर्स स्ट्रेच्ड हैं, और तालिबान जो है गेरिला टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं, इट इज इम्पॉसिबल कि आप हर जगह पे इतनी सिक्योरिटी कर दें कि, तो ये हमारी तरफ से कोई कोताही नहीं है, सारी फौज लग जाए तो फिर भी ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा, जिस हद तक हो सकता है हम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अब हमने नए कानून बना दिए थे कि जी चाइनीज जो हैं तो वो बुलेट प्रूफ व्हीकल्स जो हैं उसके अंदर ट्रैवल किया करें, अब हम कैसे करेंगे? पुलिस की 2 गाड़ियां तो हम साथ दे देते हैं, मगर इतने चाइनीज आ गए, 1,00,000 से ज्यादा चाइनीज है पाकिस्तान में, तो कैसे हम इतनी लंबी चौड़ी, मगर हमें जरूरत भी है उनकी, उनके बगैर ये सिपेक चलता नहीं है। अब 2 अटैक्स हुए मेजर, जाहिर है चाइनीज बेचारे उनको भी तो प्रॉब्लम है ना कि वो पैसे भी आप उनके वापस नहीं कर रहे, उनकी इंटरेस्ट पेमेंट्स भी रोक रहे हैं आप, पैसे और मांग रहे हैं, ऊपर से आप सिक्योरिटी नहीं दे रहे, उनकी जो सारा जो बैलेंस है ना सिक्वेशन वो खराब हो चुका है जी। अब वो आपको क्या करें आपके साथ, मगर अभी वो स्टेज आ चुकी है दैट दे आर वेरी फ्रस्ट्रेटेड कि हो नहीं रहा है उस स्पेस पे जिस स्पेस पे वो चाइना एक्सपेक्ट करता है कि आप करेंगे। अच्छा अब तो इसलिए मेरा ख्याल है ये जो एम्बेसडर साहब का जो बयान आया है दिस वॉज जस्ट री एनफोर्सिंग एक। अब हमारे इसहाकडार साहब उन्होंने इसका जवाब दिया, अब आइए फॉरन ऑफिस, आप भूल गए ना देयर इज अ फॉरन ऑफिस ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस, उन्होंने भी एक बयान दे दिया, उन्होंने भी ये कह दिया कि ये बयान नहीं देना चाहिए था एम्बेसडर को वगैरह वगैरह। मैं समझता हूँ कि फॉरन ऑफिस को कुछ नहीं कहना चाहिए था कि एम्बेसडर साहब ने जो बात की इसको छोड़ देना चाहिए था, इसको दबा देना चाहिए कि हाँ वी आर डूइंग आवर बेस्ट, वी लव चाइना, वी वैल्यू चाइना, एम्बेसडर इज अ गुड मैन, यस सर, डोंट वरी सर, हम कर रहे, इसको फॉरन ऑफिस को उठाने की जरूरत नहीं थी। अब देखे ना, अब पाकिस्तान के लिए भी ये लम्हे फिक्री है कि पहले हमें इंडियंस कहते थे, अमेरिकन कहते थे, सारे कहते थे यार तो ला ठीक नहीं है, अब चाइनीज ने भी सख्त जुबान बोलनी शुरू कर दी है पाकिस्तान के बारे में, सवाल तो है ना भाई साहब कि नहीं, सवाल है क्यों नहीं है सवाल, ठीक है जी। सो मैं जाती तौर पे इस चीज़ को महसूस करता हूँ और इस चीज़ को समझता हूँ कि जो व्हाट वी नीड टू डू, देखें आज अगर चाइनीज, देखें दो चीज़ें हैं, मैं जहाँ पे चाइना को किन जगहों पे रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि चाइना ने ये जो पब्लिकली पाकिस्तान के फॉरन मिनिस्टर की इंसल्ट करने की कोशिश की है इस पर डिमार्श होना चाहिए चाइनीज को, बुलाएं उनको, लेकिन हम बिल्कुल ही अगर खामोश रहे। देखें यार, आप देखें ये जो सब क्रिटिकल वॉरफेयर होती है इसके अंदर आपको यू नो यू लिव इन अ टेरेन की बात होती है, ठीक है जी। अब टेरेन हमारा ऐसा है, सिचुएशन ऐसी है कि वी आर अनएबल टू कंट्रोल सो मेनी थिंग्स, ऑल द नेशंस हु आर इन्वेस्टिंग दे विल हैव टू अंडरस्टैंड, क्या चाइनीज की, देखें हम चाइना को, चाइनीज को पाकिस्तान में क्यों मारा जाता है, भगाने के लिए मारा जाता है ना,
लेकिन इंडो पैसिफिक के अंदर भी तो दुनिया तैयारी कर रही है ना चाइना को काउंटर करने के लिए। यहाँ पे चाइना को काउंटर करने का स्टाइल डिफरेंट है। अगर चाइना पाकिस्तान के साथ इस तरह खुलेआम सरेआम लड़ पाएगा तो फिर भाई इस तरह थोड़ी होगा, डायरेक्टली लड़ पो, ठीक है ना, इस तरह थोड़ी होगा, इस तरह चीजें थोड़ी होती हैं जिस तरह हम जो है वो करने की कोशिश करते हैं कि जी पाकिस्तान पे अगर आप चढ़ाई कर देंगे तो क्या मिलेगा। पाकिस्तान ने बहुत सारे एक्शंस लिए हैं, पाकिस्तान ले रहा है, पोरस बॉर्डर है, अफगानिस्तान हमारे साथ बॉर्डर सेटल करने को तैयार नहीं है, इंडिया के साथ हमारे अभी डिस्प्यूट वहां पे कायम है, और चाइनीज हमें बार बार ये कहते हैं, सही एडवाइस देते हैं पाकिस्तान को कि अपने क्लेम को कैरी करें लेकिन तालुकात इकोनॉमिकली ठीक करें। हम क्या करें, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। और इमरान खान कहता है नहीं मैं इंडिया ने तालुकात ठीक नहीं करना वरना मैं इलेक्शन हार जाना, दसो ऐसी की करिए। मौजूदा वजीर आजम कहता है मैंने बात करनी है, नून लीग कहती है बात करनी है, उसको अदालत ने चौके बाहर मार दिया उन्होंने, एंड देन व्हाट शुड बी डू ऑन दिस। देखिए आज ये पाकिस्तान के लिए एक लेसन है कि इंडिया और चाइना ने कैसे मामला ठीक किए। केंद्र आज मिठाइयां बांट रहे हैं एक दूसरे के नाल, भाई दे डू अंडरस्टैंड कि अगर मिठाई नहीं बांटेंगे तो तरक्की कैसे। चीनी एम्बेसडर ने शायद ये समझा कि ये कहा जा रहा है कि चीनी की आदत जो है वो शायद पाकिस्तान को एक्सेप्शन कर रही है, यहाँ पे अगर हालात खराब भी हों तो चलता रहेगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, सिक्योरिटी हमारे लिए सबसे अहम है और ये सीपैक का जो है इसकी सिक्योरिटी के बगैर नहीं चल सकता। अच्छा, अब मेरे ख्याल में उन्होंने वजीर खारजा की बात को गलत समझा और उनको शायद ये बयान नहीं देना चाहिए थे वहाँ पे जब इतने सारे लोग बैठे और वो ये रिपोर्ट हो गया। मैंने उसी वक्त भी अपने साथ एक और पुराने सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन बैठे थे, मैंने उनको कहा कि भाई हेडलाइन तो ये लग जाएगी, तो वही हुआ। अब उसके बाद वजारत खारजा की तरफ से भी मेरे ख्याल में, ठीक है मैं खुद भी वजारत खारजा हूँ, मैं कभी उनको क्रिटिसाइज भी नहीं करना पसंद करता, पर मेरे ख्याल में वो ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग थी और इसको पब्लिकली नहीं हैंडल करना चाहिए, क्योंकि चीन के साथ वाकई हमारे भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन वो भी समझते हैं क्योंकि उनके उन्होंने भी कभी इस बारे में दो राय नहीं दी हैं। लेकिन पहली गलती तो बहरहाल चीनी सफीर की थी कि उनको दोबारा जाके राइट ऑफ रिप्लाई की जरूरत नहीं थी ना, क्योंकि आई बिलीव कि चाइनीज और इंडियंस ये जो मिल गए हैं ना, ठीक है ये एक बहुत बड़ी, आप देखिएगा कि हमारे लिए एक ऑप्शन जो है वो कम हो रही है पाकिस्तान के लिए। अब पाकिस्तान जो है वो कोशिशें कर रहा है कि चाइना को कोई सी पैक टू में इन्वेस्टमेंट करे, लेकिन मुझे नहीं लग रहा चाइनीज अब इन्वेस्टमेंट करेंगे जो सिचुएशन सामने नजर आ रही है, क्योंकि चाइना को भी अगर पाकिस्तान से एतराज है, चाइना को भी अगर पाकिस्तान से एतराज है तो फिर देखें पाकिस्तान को किस किस को फिर पाकिस्तान से नहीं है, सबको ही हुआ ना, फिर सबको ही होगा और क्या होगा, सबको ही इतराज होगा और तो कुछ नहीं होगा फिर अगर ये सिचुएशन है। मैं तो इस हवाले से बार बार सोचता हूँ, जहन में रखता हूँ कि यार बंदा क्या कर सकता है, व्हाट कैन वी डू, हम क्या कर सकते हैं, हमसे अब तो सारे नाराज होते जा रहे हैं, चीन भी नाराज हो गए, चाइनीज प्राइम मिनिस्टर जो एम्बेसडर है पाकिस्तान को वजीर खारजा को झड़कियाँ दे रहा है। ठीक है जी, जो मुद्दा था वजीर खारजा का किसी लिहाज से भी मनफी नहीं था, और दूसरी तरफ मेरे ख्याल से स्पोक्स पर्सन से भी शायद सवाल पूछ लिया होगा तो उन्होंने उसका जवाब दे दिया। मैं आपको बताऊं कि मेरा तजर्बा तो यह है कि दोनों मुल्कों के दरमियान इस किस्म की कोई गलतफहमी नहीं है, लेकिन ये कहने के बावजूद मलिक साहब मैं जरूर ये कहूंगा कि उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना हमारे ऊपर लाजिम है, ये हमारा फर्ज है, सिर्फ उनको नहीं पूरे पाकिस्तान की सारी आवाम को भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करना और जितने और फॉरनर्स हैं उनको भी। लेकिन चीन ने तो सरमायाकारी कर रखी है और उस दौर में भी की है जब पाकिस्तान वाकई दहशतगर्दी की जंग लड़ रहा था, इसलिए बहुत ही लाजम है हम पर कि दो ऊपर तले दो, एक मार्च में फिर एक अक्टूबर में, ये ठीक नहीं है, ये इसका कुछ सद्देबाप करना बहुत ही जरूरी है, तो वो पैगाम उसकी अहमियत अपनी जगह। तो मैं इस पे जब हमें मौका मिलेगा हम चाइनीज को दोबारा जाएंगे, उनको समझाएंगे, उनको कन्विंस करेंगे। मैं तो कहता हूँ ये एससीओ पे चाइनीज प्रीमियर का आ जाने ही बड़ी बात है, ना आता तो ऐसा कर लेना से। लेकिन इसमें एक और चीज़ भी है, चाइनीज कहता है जरा पाकिस्तान पे पार पाओ, इनको डराओ धमकाओ ज़रा कि भाई ठीक है हम जो अगर तुमने ये ना किया तो चीज़ें बेहतर नहीं होगी, क्योंकि वो कहते हैं कि जब भी किसी चाइनीज पे हमला होता है ये हमारी एम्बेसी आ जाते हैं हमें सहारा देने, हमें दिलासा देने, इससे डू मोर देन दिस बिकॉज वी कॉन्ट टेक द डेड बॉडीज। और कई दफ़े ऐसे हुआ है कि पाकिस्तान के जो मिनिस्टर हैं चाइनीज डेड बॉडीज के साथ चाइना भी गए हैं स्पेशल जहाज में,
ये याद रखिएगा, हमने ये चीजें की हुई हैं। अब वो नहीं मानते, वो कहते नहीं यार बस करो, अब आप लोग जो है ना गेमें कर रहे हो हमारे साथ, हमें नहीं ये चीज चाहिए, वी डोंट वांट डू दिस। ठीक है, ये उनकी एक वो हमारे बारे एक ऑब्जर्वेशन या एक सिचुएशन है। तो आई विश के हमारे मामलात थोड़े से हम ठीक कर सकें चाइना के साथ, पर्टिकुलरली चाइना के साथ हम ठीक कर सकें और चीज़ें थोड़ी सी बेहतर हों, ना कि चीज़ें थोड़ी सी ख़राब हों हमारे साथ। इसमें जारी बात है, मैंने बताया ना कि ये इंडिया चाइना की आप फौजियों की तरह देखें, पूरे बॉर्डर LAC के ऊपर उन्होंने मिठाइयाँ बांटी हैं, पूरे LAC के ऊपर मिठाइयाँ बांटी हैं। ये मैं आपको सिर्फ दो तस्वीरें दिखा रहा हूँ, बहुत सारी तस्वीरें हैं जो इंडियन गवर्नमेंट ने जारी की हैं। ठीक है, और इधर हम जो है वो चीनी एम्बेसडर से झिड़कियाँ खा रहे हैं। ठीक है, आपको पता है चाइना का जब नेशनल डे वगैरह होता है तो पाकिस्तान का वजीर आजम और सदर दोनों जाते हैं, इतनी अहमियत देते हैं हम चाइना को, कभी नहीं गए, कभी नहीं गए, कभी भी नहीं गए हम। ठीक है, नाकामियों की एक दास्तान है। शहबाज शरीफ की हुकूमत कोई काम ढंग से तो कर नहीं पाई, मईशत इनसे संभल नहीं रही है, दहशतगर्दी के खिलाफ ये नाकाम हो रहे हैं, नलायकी की हद तो यह है कि अब उन्होंने चाइना जैसे दोस्त को भी नाराज कर दिया। CPAC जैसा गेम चेंजर मंसूबा पहले साजिश का शिकार हुआ, अब इनकी जिद और अदा की भेंट चढ़ सकता है। चाइना के सफीर ने खिताब किया और अपने इस मौके को एक मरतबा फिर दोहराया कि हुकूमत अगर चाहती है कि CPAC को जारी रखा जाए तो उसे पाकिस्तान में काम करने वाले चाइनीज माहरीन को तहफ़ देना होगा। उन्होंने वादे किया कि चाइना ने जहां भी सरमायाकारी की उसने वहां अपने वर्कर्स का तहफ़ यकीनी बनाया। तो अगर किसी मुल्क में किसी शहरी को नुकसान पहुंचाया जाता है तो चाइना वहां काम रोक देता है। चाइनी सफीर के हमारे वजीर खारजा इसहाक डार ने तकरीब से खिताब किया, बजाय इसके कि वो हाजरीन को चाइनीज वर्कर्स और इंजीनियर्स के तहफ़ के लिए पाकिस्तान की कोशिश से आगाह करते, चाइना के तहफ़ात दूर करते, अपनी पॉलिसियों का असर और जायजा लेने का यकीन दिलाते, कहने लगे कि जुलाई में जब हम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ चाइना के दौरे पर गए तो वहाँ चाइना के सदर से एक तवील मुलाकात हुई थी। ये जवाब सुनकर चाइनीज के सफीर से रहा न गया। इसहाक डार साहब की तकरीर के बाद तकरीब अख्ताम पजीर हो गई, लेकिन चाइना के सफीर ने खिलाफ़ मामूल दरख्वास्त की कि वो कुछ कहना चाहते। वो दोबारा स्टेज पर आए और अपने मौक़िफ़ को पूरी कुव्वत के साथ दोहराया कि अगर पाकिस्तान चाहता है कि CPAC पर काम की रफ्तार सुस्त लाओ तो उसे चाइनीज़ वर्कर्स की सलामती का तहफ़ करना होगा। तो चाइनीज सफीर का ये इकदाम सफारती आदाब की संगीन खिलाफ वर्जी था। वो वहाँ जवाबी तकरीर करने की बजाय कोई और चैनल इख्तियार कर सकते थे, लेकिन उन्होंने किसी और प्लेटफॉर्म का इंतखाब करने की बजाय वहीं मौके पर जवाब देना मुनासिब समझा। तो चाइनीज सफीर के इस इकदाम को हमारा दफ्तर खारजा सफारती आदाब की खिलाफ वर्जी समझ रहा। दोपहर को यह तकरीब हुई, शाम को खबर आ गई कि सदर आसिफ अली जरदारी दुबई में जहाज़ की सीढ़ियों से फिसल गए, उनका पाँव फ्रैक्चर हो गया। तो सदर जरदारी को नवंबर में चाइना के दौरे पर रवाना होना था, लेकिन अब यह दौरा तो मुमकिन नहीं रहा। तो चाइना के सफारतखाने को सदर की सेहत के मुतल्लिक मुतला कर दिया गया। ये दौरा चाइना के गले शिकवे रफा दफा कर सकता था, बीजिंग के तहफ़ात दूर कर सकता था, लेकिन कुदरत ने यह मौका भी हमसे छीन लिया। PTI को तो बहाना चाहिए होता है, वो तो ये देखती नहीं कि इस वाक़े का नुकसान किसको होगा, हुकूमत को या मुल्क को। तो PTI का सोशल मीडिया ब्रिगेड तो यहाँ तक कह रहा है कि चाइना ने सदर आसिफ अली जरदारी को बीजिंग आने से मना कर दिया। ये फिसलने और पाँव में फ्रैक्चर की कहानी दरअसल अपना भरम बरकरार रखने के लिए फैलाई गई।